हेलो, आई एम निशा। आज हम स्टैंडर्ड 5 में इल्यूशन पैटर्न सीखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको 8 सेंटीमीटर का अच्छे से मेजरमेंट करके एक सर्कल बना लेना है। इसके बाद दूसरा सर्कल हम बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। इसमें हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे और 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का सर्कल। ओके, सबसे पहले बनाया 8 सेंटीमीटर, इसके बाद 6 सेंटीमीटर, इसके बाद 4 सेंटीमीटर एंड देन 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर के बाद हम लास्ट वाला एक बनाएंगे जो होगा 1 सेंटीमीटर का। छोटा सा सर्कल हम मिडल में बना देंगे। देखो मैंने बना लिया है। ओके, अभी हम ये जो हमने सर्कल बनाया है इसका मिडल ले लेते हैं। इसके मिडल लेने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत रहेगी। अभी हम स्केल लेके जहाँ पे हमने पॉइंटर रखा था वहाँ पे स्केल टच करके रखेंगे और सर्कल के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट में पॉइंट करेंगे। इस तरह लेफ्ट और राइट साइड में भी हम मिडल का पॉइंट बनाएंगे। हमें 4 मिडल पॉइंट मिल गए हैं। ओके, अब ये जो मिडल पॉइंट मिले हैं इन दोनों का भी हमें मिडल लेना पड़ेगा। इसके लिए दोनों पॉइंट के बीच में से स्केल रखेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा और 12 का आधा होगा 6 सेंटीमीटर, वहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। इस तरह चारों ओर हम 12 सेंटीमीटर और इसका मिडल 6 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाएंगे। जो पहले पॉइंट बनाया है इनका हमें मिडल चाहिए। देखो चारों ओर मैंने इसका मिडल ले लिया है 6 सेंटीमीटर का और पॉइंट लगा लिया है। अभी सभी जहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट बनाया है वहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, एकदम मिडल में पेंसिल रखेंगे, अच्छे से मेजरमेंट करके ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ जहाँ पहले पॉइंट बनाया था वहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे पॉइंटर की मदद से। पॉइंट के ऊपर ही हमें पॉइंटर रखना है और ऐसी लाइन कर्व लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो ये हमारी लाइन कंप्लीट है। अभी जहाँ जहाँ लाइंस हमने ड्रॉ की है उन लाइंस के, देखो ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है इनके वहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर का पॉइंट लेना है। ये जो लाइन है वहाँ पे हम ऐसे स्केल रखेंगे और 0 पे पॉइंट करेंगे तो हमें 1 सेंटीमीटर का गैप मिल जाएगा। अभी सभी लाइंस के बाहर हम ऐसे 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के पॉइंट बना लेंगे। देखो सभी लाइंस के बाहर 1 सेंटीमीटर छोड़ के ऐसे पॉइंट लगाना है। अभी हमने जहाँ पॉइंट लगाया है वहाँ पे हम पॉइंटर रखेंगे और फिर से ऐसी कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी पहले वाले पॉइंट का हमें कुछ काम नहीं है। अभी जहाँ पे पॉइंट बनाया है वहाँ पे ऐसे नाप लेके लाइन बनानी है। देखो यहाँ पे पॉइंटर रखा और लाइन ड्रॉ की। इससे क्या होगा, जो हमने लाइंस बनाई थी इसके बीच में जो गैप है वहाँ पे भी हम लाइंस बना पाएंगे। याद रहे जहाँ पॉइंट बनाया है वहाँ पे ही हम पॉइंटर रखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसे पॉइंट के ऊपर ही पॉइंटर रखना है, परिकर रखना है हमें। देखो ऐसी पैटर्न हमें मिल गई। ओके, यहाँ पे हम 3 कलर का यूज़ करेंगे, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। इसके लिए सबसे पहले तो इसके हम बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए भी मैंने पॉइंटर का यूज़ किया है और अच्छे से पॉइंटर रख के इसमें स्केच पेन लगा के मैं ऐसे बॉर्डर बना रही हूँ। इससे एकदम परफेक्ट होता है। सभी लाइंस हम पॉइंटर की मदद से ही बनाएंगे।
ओके, ये हमारा सर्कल की बॉर्डर कंप्लीट है। अभी जो साइड वाली कर्व लाइन है वहाँ पे भी हम बॉर्डर बना देंगे इसकी ब्लैक स्केच पेन से। इसमें भी पॉइंट का ध्यान रखते हुए ही हम बॉर्डर बनाएंगे। इसे इल्यूशन पैटर्न बोलते हैं। इल्यूशन यानी भ्रम, भ्रम भ्रमित करने वाली जो पैटर्न होती है वो ये है। ये जब आपको अभी नहीं पता चलेगा, पूरा ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये इल्यूशन वाली पैटर्न है। अभी कंप्लीट हो गई है बॉर्डर। कंप्लीट करने के बाद मिडिल वाला जो सर्कल बनाया था 1 सेंटीमीटर का, वहाँ पे हम ग्रीन कलर कर देंगे पूरे में। और इसका जो बाहर वाला सर्कल है वहाँ पे हम 1 बॉक्स छोड़ के ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। एक बॉक्स छोड़ना है, एक स्क्वायर छोड़ना है और ग्रीन कलर करना है। ओके, ये हमारा सर्कल कंप्लीट है। अभी हम दूसरे सर्कल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जहाँ पे ऊपर वाला वाइट पार्ट है वहाँ पे ही हम ग्रीन करेंगे। अल्टरनेट करना है यहाँ पे हमें, जहाँ पे ग्रीन है नीचे वाले सर्कल में वहाँ पे हमें नहीं करना है। वाइट जो स्क्वायर है इसके बराबर ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे ही हम ग्रीन कलर करेंगे। एकदम ध्यान से करना है, पहले बॉर्डर बना लेनी है। बॉर्डर बना लेने के बाद हम अंदर ग्रीन कलर फिलअप करेंगे और यहाँ पे स्केच पेन का ही यूज़ करना है ये वाली ड्राइंग में। पूरा सर्कल इसे कंप्लीट कर लेना है हमें। देखो ये कंप्लीट है। अभी जहाँ पे हमने ग्रीन किया था उसके नीचे नहीं करना है। जहाँ पे वाइट है बराबर उसके ऊपर वाला पार्ट है वो ही हमें ग्रीन करना है। इस तरह पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। देखो ये पूरा कंप्लीट है। अभी हम जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ पे हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। देखो अभी आपको पता चला इल्यूशन का मतलब। देखो ये भ्रमित कर देने वाली पैटर्न हमें लग रही है। जैसे आप पूरा ड्राइंग होने के बाद इसे देखोगे ना तो आपको लगेगा जैसे ये सर्कल है ना गोल घूम रहा है, ऐसा आपको इसका भ्रम होगा, इसलिए इसे इल्यूशन बोलते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड 5 में चैप्टर 3 की ये पैटर्न है और इसमें स्केच पेन का ही यूज़ करना है। ध्यान से मेजरमेंट करके ही हम इसे ड्रॉ करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो अभी जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ पे हम ऐसे बॉर्डर बना के रेड कलर फिलअप कर देंगे। देखो अभी आपको पता धीरे धीरे पता चलेगा जैसे हमें भ्रम हो रहा है ये पूरा सर्कल ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा 3D लुक आता है, आंशिक 3D लुक इसमें। देखो ये हमारा कंप्लीट है। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।